तो देखो भाई, जब मैं सुबह उठा, मैंने गेम ओपन किया। गेम ओपन करने के बाद मैंने जस्ट इवेंट देखे, तो भाई इवेंट में मुझे सबसे ऊपर इवेंट दिखा, पोकर MP40 रिटर्न। भाई ये भाई इवेंट है जब पोकर MP40 निकालने के लिए लोंडो को अपनी किडनी बेचनी पड़ी थी भाई। वो येलो वाली जो पोकर MP40 पता ही होगा तुम्हें, उसके लिए बंदों के इतने डायमंड गए थे भाई, पूछो मत। मतलब बंदों ने बहुत सारे डायमंड वेस्ट किए थे, तब जाके वो येलो वाली पोकर MP40 निकली थी, ठीक है। एंड अभी अपन देखेंगे कि भाई ये जो पोकर MP40 है, ये मतलब तुमको निकालनी चाहिए कि नहीं, रिटर्न में आया। तो देखते हैं गाइस क्या सीन है। तो अपन पूरी वीडियो, मतलब तुम लोग पूरी वीडियो देखो, एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, सोल्फाइजियर तो देखो भाई, सबसे पहले अपन को लकरोल में चलना। लकरोल में चलने के बाद तुम्हें ये वाला इवेंट दिख जाएगा इंक्यूबेटर वाले सेक्शन में। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ये जो पोकर MP40 है तुम्हें दिख जाएगी। एंड देखो यहाँ पे सबसे टॉप पे ब्लू वाली MP40 है, ठीक है। उस टाइम क्या था, उस टाइम यहाँ पे येलो वाली पोकर MP40 थी, बट अभी ब्लू वाली है। एंड दोनों का एबिलिटी सेम है, तुम लोग देख सकते हो, डबल डैमेज है। एंड उसका क्या सीन था, उसका भी डबल डैमेज था। एंड इसका रेट ऑफ फायर बढ़ा दिया गया, उसका भी रेट ऑफ फायर बढ़ा दिया गया था। एंड इसका ना थोड़ा सा एक्यूरेसी कम कर दिया गया, उसका रेंज कम किया था, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है, ठीक है। अभी देखो तुमको निकालनी चाहिए कि वो अपन बात करेंगे। पहले उसके अंदर अपन एंटर करते हैं कि भाई वो येलो वाली पोकर MP40 कहां पे है। तो अरे भाई, येलो वाली पोकर है क्या? नीचे, सबसे नीचे। खत्म भाई, सीरियसली, मतलब तुम्हें यहाँ पे एक ब्लू प्रिंट और 3 स्टोन में ये जो येलो वाली पोकर MP40 है ये मिल रही है भाई। मतलब यार, उस टाइम बंदों के इतने डायमंड गए थे, पूछो मत, सबसे टॉप पे थी, और अभी सिर्फ एक, मतलब एक ब्लू प्रिंट में मिल रही है भाई। अगर देखो, मैं तुम्हें बताता, अगर तुम्हारे पास डायमंड है, तुम निकालने की सोच रहे हो, तो भाई ये येलो वाली पोकर MP40 निकाल लो, क्योंकि इतनी बढ़िया डील कहीं नहीं मिलेगी। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तुझे। एंड देखो, मेरा मतलब ये नहीं कि भाई तुम गेम पे पैसा लगाओ कि तुम्हारे पास डायमंड नहीं है, तुम टॉप अप पे टॉप अप कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास थोड़े बहुत डायमंड पहले से बचे हुए हैं, तो भाई तुम इसमें लगा सकते हो। और ये जो येलो वाली पोकर MP40 है, मतलब उतना कुछ खास तो चलती नहीं है। मैंने इसका गेम प्ले भी देखा, मतलब उतना कुछ खास नहीं चली जितना सोचा था, बट हाँ चलो ठीक है, अगर इतने कम में मिल लिए तो भाई तुम्हें निकाल लेनी चाहिए। एंड देखो, इस वाली आईडी में ये येलो वाली पोकर MP40 ऑलरेडी पड़ी है, तो अपन नहीं निकालेंगे कोई भी गन। एंड देखो, ये जो येलो वाली पोकर MP40 तुम लोग देख ही सकते हो भाई, इसका गेम प्ले मैं तुम्हें दिखा देता हूं। बैकग्राउंड में देखो, थोड़ा गेम प्ले दिखा देता हूं। ये तो वो मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड में थोड़ा ऐसे ही हेड मार दिए थे तुक्के में। तो देखो भाई, जब जो मैंने तुम्हें थंबनेल में बताया था कि भाई मैं बन स्पिन ट्रिक भी बताऊंगा इस वाली गन की, तो देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। देखो, तुम्हें एडम लेके खेलना पड़ेगा। और भाई सीरियसली, ये पोकर MP40 भी ऐसे ही निकली थी, ठीक है। 7 दिन के लिए बंदे ने ये जो एडम है वो लेके खेला था। एंड उसके बाद में, मतलब जो जितना भी कलेक्शन है उन सबको हटा दिया था। एंड फिर 7 दिन के बाद स्पिन किया था, और ये पोकर MP40 इसके 1500 डायमंड में निकली थी, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा डायमंड है मुझे पता, बट भाई औरों को देख के तो बहुत कम है भाई। बहुत सारे बंदों के 4000-3000 डायमंड लग रहे थे इस पे, बट इसके 1500 डायमंड में निकल गए थे, ठीक है। तो अगर तुम लोग निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। एंड मुझे कमेंट में यह बताना कि भाई तुम में से कौन कौन ये पोकर MP40 निकालना चाहेगा, एंड कौन कौन निकालने वाला है, और किस किस के पास पहले से पड़ी है, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।